आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो बस पाकिस्तान में लगी क्रॉसओवर्स की जंग में इसी आइडियोलॉजी को फॉलो किया लकी मोटर्स कॉरपोरेशन ने, एंड बाय द एंड ऑफ 2021 दे केम अप विद यूरोपियन मोस्ट इम्प्रेसिव एंड हॉट लुकिंग क्रॉसओवर ऑफ द सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी फॉर ईयर 2008 इन अलोर एंड एक्टिव वेरिएंट। तो क्या आपको मालूम है पोयो 2008 को लेकर तीन ऐसी बातें जो इसको अपनी लीग में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्रॉसओवर बनाती हैं? अगर नहीं पता तो फिकर नॉट, हम हैं तो क्या गम है। एक्सटीरियर डिजाइन, अगर आप पोयो के लोगों पर गौर करें तो दैट्स बेसिकली अ लायन, और 2008 की डिजाइन फिलॉसफी भी इंस्पायर्ड है बाय द आउटलुक ऑफ अ लायन। इसके दोनों ट्रिम्स में आती हैं शार्प कटेड वर्टिकल DRLs जो किसी लॉयन के K9s जैसी लगती हैं। फर्दर मोर अलोय की DRLs 3-bar डिजाइन के साथ मजीद एक्सटेंडेड है इन लॉयन क्लॉ शेप जो लगती हैं इंस्पायर्ड बाय मस्टैंग। अलोय में आते हैं ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्शन लैंप विद हाई बीम असिस्ट एंड ऑटो लैब लैंप, और एक्टिव में आते हैं हेलोजन लैंप्स विद LED बल्ब जो के ऑटोमेटिक नहीं है। लेकिन दोनों ट्रिम्स की हेडलाइट इक्विप्ड है विद फॉलो मी फीचर। दोनों में आती है इनफाइनाइट स्टाइल ह्यूज रेडिएटर ग्रिल इन हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, मगर अलोर की ग्रिल है इन क्रोम और एक्टिव की ग्रिल है इन ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक। दोनों ट्रिम्स में अगर आपको फॉग लैंप्स भी चाहिए तो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा। अगर बात करें 2008 के फ्रंट बम्पर की तो दोनों ट्रिम्स का बम्पर है इन यू शेप विद एरोडायनामिक कर्व्स, और इसी में इंटीग्रेटेड है शार्प लुकिंग एयर इनटेक विद पैरेलल लाइनिंग। फर्दर मोर अलोर का फ्रंट बम्पर आता है विद पार्किंग सेंसर्स, और दोनों ट्रिम्स के बम्पर में आती है अंडर लिप सिल्वर गार्निश। दोनों ट्रिम्स के बोनेट पर आती है शार्प करेक्टर लाइन्स 2008 की बैजिंग एंड अपर लिप गार्निश इन पियानो ब्लैक जो इसको काफी प्रोनाउंस लुक देती है, और ओवरऑल 2008 का फ्रंट है काफी लुकिंग विद बोल्ड स्टैंस। और इसके फ्रंट से लेके इसके चारों तरफ आती है मैट ब्लैक बॉडी ग्लाइडिंग जो इसको काफी रगेड लुक देती है। 2008 की साइड प्रोफाइल है काफी एरोडायनामिक विद शार्प करेक्टर लाइन इन टू वे डायरेक्शन। इसमें आते हैं क्रोम ब्लैक डोर हैंडल्स विद स्मार्ट एंट्री, रिट्रेक्टेबल हीटेड साइड मिरर्स विद LED टर्न सिग्नल्स इन पियानो ब्लैक जिनको मजीद प्रोनाउंस्ड लुक देती है स्लीक पियानो ब्लैक गार्निश जो एक्सटेंड होती है इसके फेंडर्स तक, और इसकी साइड प्रोफाइल को मजीद अट्रैक्टिव बनाती है स्लीक डोर प्रोटेक्शन गार्निश इन सिल्वर फिनिश। 2008 में आते हैं 17-inch डायमंड कट अलॉयज इन सिल्वर एंड पियानो ब्लैक, और इसके टायर्स की विड्थ है 215 mm विद साइड प्रोफाइल ऑफ 60%। दोनों ट्रिम्स की साइड प्रोफाइल बिल्कुल सेम है जो समहाउ इंस्पायर्ड लगती है बाय लैम्बो उरस। लेकिन अलोर में आती है पैनोरामिक रूफ विद ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स, और एक्टिव आती है विद हार्ड टॉप। 2008 का रियर एंड है फास्ट बैक स्टाइल में, और इसकी दोनों ट्रिम्स में आती है 3-bar मस्टैंग स्टाइल LED लावा टेल लाइट्स विद ब्लैक एक्सेंट्स जो कनेक्टेड है एज अ सिंगल पीस इन पियानो ब्लैक जिस पर पोयो का नाम ब्यूटीफुली क्रोम लेटर्स में इम्पोज्ड है। दोनों ट्रिम्स के टेलगेट में आता है हाई माउंटेड स्पॉइलर विद इंटीग्रेटेड ब्रेक लैंप। दोनों ट्रिम्स आते हैं रियर विंडो वाइपर के साथ, लेकिन अलोर के फ्रंट वाइपर ऑटोमेटिक भी है विद रेन सेंसिंग फीचर। बात करें बूट की तो दोनों वेरिएंट्स बूट सेपरेटर और ट्रंक लाइट के साथ आते हैं विद ट्रंक स्पेस ऑफ 434 liters जो कि मजीद एक्सटेंड हो सकती है अप टू 1467 liters बाय फोल्डिंग रियर सीट्स। दोनों ट्रिम्स का रियर बम्पर आता है इन मैट ब्लैक विद रियर पार्किंग सेंसर्स, स्क्वायर शेप क्रिस्टल रियर फॉग लाइट्स, ड्यूल क्रोम एग्जॉस्ट और बोल्ड सिल्वर गार्निश के साथ, और ये बम्पर काफी शार्प कटेड है इन रेक्टेंगुलर शेप जो इसको रियर से काफी मस्कुलर लुक देता है। तो ओवरऑल 2008 का स्टैंस काफी स्पोर्टी है विद फ्यूचरिस्टिक एंड एग्रेसिव लुक्स। फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर, 2008 सिर्फ एक्सटीरियर से ही नहीं बल्कि इंटीरियर से भी काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। दोनों ट्रिम्स का इंटीरियर आता है इन ऑल ब्लैक विद पियानो ब्लैक एंड सिल्वर फिनिशेस एंड कार्बन फाइबर पैनलिंग। व्हाइट POV के साथ इसके डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट है स्पोर्टी एंड एंगुलर, और अलोर में आते हैं 6 airbags जबकि एक्टिव में आते हैं 4, और इसके साथ अलोर आता है विद आइस्ड ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग ऑन फ्रंट डोर्स, और एक्टिव आता है ब्यूटीफुल ऑरेंज एस्थेटिक्स के साथ।
दोनों में आती है सेंट्रली अलाइन 7 इंच फ्लोटिंग स्टाइल इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद ब्लूटूथ रियर व्यू कैमरा विद ऑप्शन ऑफ 180 डिग्री एंड 3D व्यू। मजीद इसमें आता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो कि कनेक्ट होता है थ्रू वायर क्योंकि इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं। इसी के साथ एलोर में नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं 6 और एक्टिव में है 4। दोनों ट्रिम्स में आता है सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल लेकिन एलोर में इट हैज अ फीचर ऑफ ऑटो एज वेल। और दोनों में ये क्लाइमेट कंट्रोल इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ साथ फिजिकल बटन से भी कंट्रोल होता है जो कि आते हैं इन ग्लॉस ब्लैक विद सिल्वर फिनिशेस। दोनों ट्रिम्स के एसी वेंट में पोलन फिल्टर स्टैंडर्ड होने के साथ साथ दोनों में आती है ऑटोमेटिक लॉकिंग विद इलेक्ट्रॉनिक विंडोज एंड सनग्लास होल्डर ऑन ड्राइवर साइड। इसी के साथ दोनों ट्रिम्स में पुश स्टार्ट का फीचर स्टैंडर्ड है। अगर बात करें दोनों गाड़ियों के मीटर की तो एलोर के थ्रू पाकिस्तान में पहली बार पोजो ने इंट्रोड्यूस कराया 10 इंचेस का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले 3D मीटर जिसको पोजो ने नाम दिया आई कॉकपिट का। और इसके एनिमेशन गेम्स काफी स्ट्रॉन्ग है जिसका अंदाजा आपको इसके इंजन स्टार्टअप और शट डाउन से हो जाएगा। और इन एनिमेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं बाय सेटिंग अप योर प्रोफाइल। और अगर बात करें एक्टिव के मीटर की तो इसमें आते हैं रेड एंड व्हाइट इल्यूमिनेटेड एनालॉग डायल्स फॉर स्पीड एंड RPM विद बेसिक MID स्क्रीन जो आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से बताती है। दोनों ट्रिम्स में आता है हेक्सागोनल शेप 2-स्पोक लेदर रैप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग विद सिल्वर एंड पियानो ब्लैक फिनिशेस विद कंट्रोल्स फॉर मल्टीमीडिया रेडियो एंड ब्लूटूथ। लेकिन एलोर का स्टीयरिंग व्हील आता है ग्रे स्टिचिंग के साथ और एक्टिव का स्टीयरिंग व्हील आता है ऑरेंज स्टिचिंग के साथ। और इसका MID कंट्रोल अनकन्वेंशनली इसके वाइपर लीवर में ही इंटीग्रेटेड है। दोनों ट्रिम्स में प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस के साथ 12 वॉट की पावर आउटलेट और USB चार्जिंग पोर्ट भी आती है। बट सैडली इस प्राइस के अंदर भी आपको दोनों में से किसी भी ट्रिम में ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिलता। LED कैबिन लाइट्स के साथ साथ 2008 आपको तमाम पैसेंजर की सीट बेल्ट के हवाले से डिजिटली इंडिकेट भी करती है और ये फीचर पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ इसी गाड़ी में आया है। दोनों ट्रिम्स में आती हैं 6-way मैनुअली एडजस्टेबल सॉफ्ट पैडेड सीट्स विद कंसीडरेबल लेग एंड हेड रूम। लेकिन एलोर में ये सीट्स आती हैं इन आर्टिफिशियल लेदर विद ग्रे स्टिचिंग और एक्टिव में यही सीट्स आती हैं इन फैब्रिक विद ब्यूटीफुल ऑरेंज स्टिचिंग एंड लाइनिंग। बट सैडली दोनों ट्रिम्स की रियर सीट पर कोई आर्मरेस्ट नहीं आता। तो ओवरऑल 2008 के इंटीरियर की फील एक सुपर कार के इंटीरियर जैसी है जो अपनी लीग में सबसे ज्यादा स्पेशियस होने के साथ साथ सबसे ज्यादा मॉडर्न है और फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ ये काफी फीचरिस्टिक भी है। पावर एंड परफॉर्मेंस 2008 के दोनों ट्रिम्स में आता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन जो कि इंटीग्रेटेड है 6 स्पीड ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन के साथ और ये प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम हॉर्स पावर ऑफ 130 BHP विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पर 3 सिलेंडर होने की वजह से इसका इंजन साउंड और वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान में सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स की लीग में सबसे ज्यादा फास्ट है एंड इट गोज 0-100 इन अप्रोक्सीमेटली 11 सेकंड्स। इसका ओवरऑल कर्ब वेट है 1120 kgs जिसकी वजह से इसकी पावर टू वेट रेशियो भी काफी बैलेंस है। ओवरऑल पोजो आती है 3 ड्राइविंग मोड्स के साथ स्पोर्ट्स नॉर्मल एंड इको जो कि चेंज होते हैं थ्रू अ बटन प्लेस्ड एट सेंटर कंसोल। और इसके यूजर्स के अकॉर्डिंग ये गाड़ी प्रैक्टिकली उन्हें शहर में देती है 9 से 11 किलोमीटर पर लीटर और लॉन्ग पर देती है 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज। 2008 के फ्रंट पर आती है मैकफर्सन और रेयर पर आती है टॉर्शन बीम सस्पेंशन विद ABS ब्रेकिंग। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हिल स्टार्ट असिस्ट व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दोनों ट्रिम्स में स्टैंडर्ड है। मजीद एलोर में आते हैं सेफ्टी फीचर्स लाइक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन ड्राइवर अटेंशन असिस्ट एंड लेन कीप असिस्ट। और इसकी तमाम कार सेटिंग्स एंड फीचर्स स्मार्टली असेस और कंट्रोल होते हैं इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के थ्रू। विद ऑल दो स्पेक्स एंड फीचर्स पोयो 2008 तो है एक ट्रू हेड टर्नर और इसका एलोर वेरिएंट आता है विद द प्राइस ऑफ अराउंड 7.6 मिलियन और एक्टिव वेरिएंट आता है विद द प्राइस ऑफ अराउंड 7 मिलियन। तो फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं इज इट वर्थ द प्राइस और नॉट।